आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक दुनिया भर के कुछ रहस्यमय और भूतिया घटनाएं लाते रहे हैं, और आज से हम आप सब के सामने दुनिया भर के कुछ ऐसे ही रहस्यमय और भूतिया वीडियो भी लाएंगे जिसको देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक जैपनीज बाइकर जब बरसाती रात में शिज़ुओका प्रीफेक्चर नाम के एक शहर से गुजर रहा था, तो उसके हेलमेट में लगा हुआ एक कैमरा कुछ बहुत ही डरावना दृश्य अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। सफेद कपड़े पहने हुए एक लड़की उसे अपने रास्ते में बार बार दिखाई देती है, और आखिरी के दो बार में गैप इतना कम था कि वो बाइकर अनबैलेंस होकर जमीन पर गिर जाता है, जबकि सफेद कपड़े पहने वो लड़की वहीं के वहीं खड़े रहती है, जिससे कि यह साफ मालूम होता है कि यह किसी आत्मा द्वारा किया गया कृत्य है। जापान की YouTube पैरानॉर्मल रिसर्च और एक्सप्लोरेशन टीम ओमेगाटो की फिल्म के पास एक लड़की आई जिसका नाम उन्होंने नाकियामा रखा। नाकियामा के अनुसार उनके घर का सेकेंड फ्लोर हॉन्टेड है। नाकियामा कहती है कि उसकी दादी की सिस्टर 40 साल पहले उसी सेकेंड फ्लोर से कहीं गायब हो गई, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। दरअसल गायब होने से पहले उनकी शादी होनी थी, पर किसी कारण के चलते उनकी शादी टूट गई और उन्होंने इसके बाद अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद वह आज तक नहीं देखी गई। और इसीलिए ओमेगाटो की फिल्म उस कमरे की रिसर्च करने पहुंचते हैं, पर फिर जो उनके साथ हुआ वह दिल दहला देने वाला था। और इस घटना के बाद नाकियामा गायब हो गई और अभी तक नहीं मिली। まあですね、一周してきましたんで、いよいよ数の間に潜入していきたいと思います。簡単に外れちゃうじゃないですか。これは誰かが入らないようにじゃなくて、おそらく中から出てこれないように。ああ、そう。そういうことか。取り付けてあるんだと思う。いいよ。あれ、ちょっと待って。なんか聞こえたよ。何が？女の人の声みたいな。中から？うん。中から、ね。マジ？中かあ、でも冷静え、ちょっと待って、何この部屋、何それ、何これ、何、何だろう、なんかの死骸、死骸だね、干からびてミイラみたいに鳥、鳥か、うーん、ヤギ鳥、あー、ひな、ひな、ひなか、これ何、写真、人かい、誰だこれ、て
近くにどういう理由が。うん、ちょっと。ちょっとね、やばい。誰、普通じゃない今だって。普通じゃない。この写真ってさ、うん、あれでしょ、結婚式の。うんうん、前に撮るやつでしょ。顔が来そう、ちょっとちらっとこっち見たら、いや違うで分からん、やめてよ、やめてよ、こうやって、こうやいないよ、いるわけない、いないいないいない、だってさ、これ誰かいます、ちょっと開けますよ、いや全然、もし回ってたら全然、しかも真っ暗だったんですよね、全然向かいに、あ、全然全然、もう最初からこのままになってて、こういう風に、ね、全部空いてあるというか、うん、そうだね、そう、立ってあったみたいな感じですね。もう本当、おばさんも初めてなんですよね、ここ。おばさんは初めてですよね、入られたのって。おばさん大丈夫ですか？なんか体調悪そうですけど、大丈夫ですよね、様子が。やっぱりおばあちゃんのせいだったんですよ。ほら、おっ、来た来た来た来た来た、なんで、え、これ変でね、え、カップ、え、なになに、え、なになになになになになになに、え、え、え、え、ちょっと、たくさん、ちょっと、あの、もう行こう行こう行こう、行こう行こう、もう一回出よう、いいから、もう行こう行こう、大丈夫、大丈夫、今おかしいですよ、大丈夫って、電気も持ってないし、もういいや、行こう、行きますよ、行こう行こう、おかしいよ、これは外で一回出よう、大きいタンスがあるんですけど、その中に今隣のタンスに誰かいる、どこに、どこに、この中、एक फेसबुक यूजर मारियो लारा तब बहुत खुश थे जब उन्होंने मेक्सिको के एक सिटी ग्वादालहारा में अपना खुद का एक पिनाटा स्टोर ओपन किया। मैक्सिकन लैंग्वेज में पिनाटा स्टोर का मतलब होता है जनरल स्टोर, पर इस स्टोर को खरीदने के बाद कुछ ही दिनों में कुछ बेहद ही अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती है। वहां के वर्कर्स का कुछ ऐसा मानना है कि वहां पर बिकने के लिए रखी गई एक डॉल श्रापित है, और यही नहीं, कई बार तो कैमरे में कुछ अजीबोगरीब सायों को भी कैप्चर किया गया। पर एक रात घटी यह घटना दिल दहला देने वाली थी। रात में शॉप में लगे नाइट विजन कैमरा पर मोशन डिटेक्शन होने के बाद जब मारियो अपने स्टोर पर गए तो उन्हें यह दिखाई दिया।
Pues bueno, voy a apagar la luz y a irnos. Uy, se escuchó un ruido por allá. Bueno. Ya no está la... Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues, todo normal. Nadie me quiso acompañar. एव्यूट हर्नांडेस एल्ब्रिस नाम का एक फेसबुक यूजर का ऐसा दावा है कि उनका अपार्टमेंट जो कि मैक्सिको सिटी में है वो एक भयंकर अतृप्त आत्मा के चलते हॉन्टेड है और इसी के चलते एव्यूट एक साल से भी ज्यादा वक्त से आत्मा द्वारा की गई हर एक गतिविधि को अपने कैमरे में कैद करते रहते हैं और यही नहीं यह सब घटनाएं उनके साथ हर एक दिन घटती रहती है पर एक रात उनके साथ जो हुआ उसे देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा देखिए दोस्तों इसी पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किसी औरत की आत्मा के द्वारा एब्यूट को धक्का देकर नीचे गिराया गया था दोस्तों पहले वीडियो में जाने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे पहले वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो एक फाउंड फुटेज है जहाँ की चार पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कुछ अजीब तरीके से कुछ साल पहले गायब हो गए थे। यह उन्हीं में से एक वीडियो है जहाँ की रैली नाम की लड़की उन्हीं की एक मेंबर है जिसका दावा है कि वह कोई भी बुरी चीज होने के पहले उसे भाप लेती है। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि जब यह चार पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एक बंद पड़े जेल में गए थे तो रैली को वहाँ का माहौल बहुत ही भारी भारी सा लगने लगा और तभी वहाँ के माहौल में इतनी ठंड बढ़ गई कि उनके मुँह से धुआं निकलने लगा और इसी के चलते वह लोग वहाँ से निकल आए। और उसके बाद एक एपिसोड में यह दिखाया गया
कि वह लोग एक बंद पड़े स्कूल को एक्सप्लोर करने गए थे, जहाँ पे उस स्कूल के एक आदमी की एक साल पहले बहुत ही रहस्यमय ढंग से पड़ी एक लाश मिली और इसके बाद से वह स्कूल बंद है। पर जब पैरानॉर्मल पैरानॉइड नाम के यह ग्रुप वहाँ रिसर्च करने गया तो उनके साथ जो हुआ, there was no sign of a struggle, no forced entry into the school, no arrests made. तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सब वीडियोस के बारे में, आप हमें कमेंट पर जरूर बोले। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।